कॉस्मेटिक वाली नहीं लेनी चाहिए ज्यादा, उसमें खर्चा पानी आ जाता है, खर्चा वगैरह कम आता है, खराब कम होती है, 10 साल तक चलती है कुछ ऐसे। कंटिन्यू आने लगा। बट ये तो एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा इसमें तो। जो एजुकेशन की जरूरत है इंडिया के अंदर, हर एक इंडियन को, हर एक घर में खाना बन गया है। क्या बना है? राजमा। वाह वाह वाह, राजमा। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो अभी वॉशिंग मशीन जो देखी थी कि खराब हो गई है, तो एक्चुअली खराब हो गई है, अभी बंदे लोग देखने आए हैं। तो रेनो रेनो, ये कपड़े वगैरह निकाल ले, इसमें वॉशिंग मशीन में ही है अभी, और वो गए कुछ सामान वगैरह लेने। ठीक है, तो अभी मतलब बंदे लोग आए हैं, खर्चा हो गया है इसमें। ये वाली वॉशिंग मशीन में क्या क्या, हाँ कपड़े निकाल लेना, ये अखबार रखा है कि कुछ मिट्टी विट्टी निकलेगी इसमें से, बहुत ज़्यादा गंदा। हाँ मतलब वही मोटर पूरा जो पानी नहीं ले रही है वो पूरा चेंज करेंगे, अखबार से रखा है ताकि मिट्टी विट्टी ना उड़े। तो फिर वो कपड़े कैसे निकालूंगा? कौन से कपड़े? जो इसके अंदर। हाँ तो निकालना ही है, पकड़ता हूँ ना। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, तेल लग रहा है तुम्हारे, ठीक लग रही हो तुम। ओके वो गिरेगा, ध्यान से, रुक 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 रुक। इसलिए हम कह रहे हैं आपको पकड़ लो मशीन। और उन्होंने ये बोला है कि ऑटोमेटिक वाली नहीं लेनी चाहिए ज्यादा, उसमें खर्चा पानी आ जाता है थोड़ा ऑटोमेटिक के अंदर, तो आपको ज्यादा प्रीफर करनी चाहिए कि ये वाली ही ले, सेमी ऑटोमेटिक ही, इसमें कपड़े वगैरह चेंज करने चाहिए, उसमें एक्सपेंस खर्चा वगैरह कम आता है, खराब कम होती है, 10 साल तक चलती है कुछ ऐसे। हमारी जो है ऑटोमेटिक है। चलो निकाल दिए कपड़े, ठीक है तो आगे से जब भी लेंगे। और इनकी एज भी जो है ऑटोमेटिक की वो 2-3 साल ही होती है। हाँ 2-3 साल 4 साल चल जाए तो अच्छे से चलाते हो, तो 5 साल है, नहीं तो 3 साल तो दो ढाई कितने साल हो गए, 1.5 साल तो हो गए, ली थी डेढ़ साल हो गए। हाँ 3 साल 4 साल बस ये जो थी, बाकी इसमें थोड़ा खर्चा आता रहता है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक एंड ऑल कुछ बहुत कुछ है। देखो इतना गंदा सामान निकला है उसके अंदर से, जंग ये अंदर से साफ भी नहीं होता। हाँ उन्होंने बोला कि ये जो बॉडी है ना नीचेगी, ये थोड़ा टाइम बाद में खराब हो जाती है जंग लग के, उसके बाद प्लास्टिक की जो ऊपर की है ना वैसी ही आती है। चार पाँच हज़ार का खर्चा, तो मैंने कहा 4-5 हज़ार का अगर ये आ जाएगा, नहीं वॉशिंग मशीन ले लेंगे, 4-5 साल बाद पूरी बॉडी खराब हो जाती है। ऑब्वियसली 10-15 हज़ार की तो नहीं आ जाती है। कहने का मतलब उन्होंने ये बोला है कि अगर एक्सपेंस आप बता सकते हो, आपको फुली ऑटोमेटिक ही चाहिए कि 2-4 साल में 5 साल में अगर आप चेंज कर देते हो तो ठीक है ऑटोमेटिक, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चलानी, ज़्यादा खर्चा नहीं चाहिए इसका, तो आप सेमी ऑटोमेटिक ही लो। तो वॉशिंग मशीन की बहुत सारी जानकारियाँ हो गई। तो बस अभी बात भी ले ली है, और एक ऑडिशन आया तो ऑडिशन बनाते हैं, और इनको वॉशिंग मशीन के लिए फ्री करते हैं, बोले ऑडिशन बनाते हैं, रेडी होना पड़ेगा फटाफट। वो देख इतना सही आ रहा है, इतना नहीं आता था। हाँ पहले तो फुल आता था और फास्ट आ जाता। हाँ एक दो चार दिन इसे चलने दो, अभी देखो इसका जैसे इस नल में आ रहा है ना वैसे पानी आता था। हाँ नहीं अभी किचन में कैसा था वो हॉल पे ना देखा था, तो वो इतना ही आता था उसमें भी, पर रुक रुक जाता था, इस पे कंटिन्यू आने लगा। बट ये तो एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा इसमें तो। लेकिन पानी ऐसे नहीं आता, फुल आता था भैया। हाँ फुल पानी आता था। आप कह रहे हो 2 दिन के लिए, 2 दिन चला के देख लेते हम लोग, फिर आपको वापस फोन कर दें। तो वॉशिंग मशीन तो हो गई है, लेकिन उसने ये बोला है कि थोड़ी थोड़ी देर मतलब कुछ दिनों तक रखना, और शायद वो पानी का वो प्रेशर आ जाएगा। वॉशिंग मशीन तो इतना कुछ खास तो नहीं आया, लेकिन उसने बोला है कि थोड़ा टाइम यूज करो, उसके बाद अच्छे से हो जाएगा। चलो भैया खाना खा लेंगे। A few moments later. जी तो ऑडिशन बना के भेज दिया, और अभी मैंने मूवी देखी। कौन सी मूवी देखी है? OMG 2। एंड क्या मूवी बनाई है यार, मतलब कि जो एजुकेशन की ज़रूरत है इंडिया के अंदर, हर एक इंडियन को, हर एक हिंदुस्तानी को देखनी ही चाहिए मूवी, इतनी के इम्पॉर्टेंट सेक्स एजुकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है अपनी जनरेशन में, अपने इंडिया के अंदर गुड टच बैड टच, तो इसके ऊपर फिल्म कितने सही तरीके से, क्या सही तरीके से मैसेज दिया है, एंड कितने प्यारे तरीके से फिल्म बनाई है। एंड पंकज त्रिपाठी सर क्या मतलब पूरी मतलब एक्टर अलग लेवल को, मेरा लाइक लिटरली ड्रीम है कि कभी पंकज त्रिपाठी सर के साथ काम करूं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या करते हैं यार वो, हाँ
मतलब अलग ही लेवल की एक्टिंग है। उनको सिंपल डायलॉग भी दो, उसको भी इस तरह से बोलते हैं कि बस मतलब स्क्रीन खा रही। तो मूवी ओवरऑल अच्छी लगी है एंड आई थिंक ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी है, तो मैं इसलिए ये कहूँगा कि डेफिनेटली देखनी चाहिए, हर पेरेंट्स को देखनी चाहिए, न्यू जनरेशन के पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि टीनेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली बहुत अच्छी और प्यारे मैसेज के साथ मूवी बनाई, ऐसी मूवीज़ को देखना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, सिर्फ एक्शन एक्शन को ही प्रमोट नहीं करना चाहिए जो अभी चल रहा है, तो ऐसी मूवीज़ भी बनना बहुत ज़रूरी है। चलिए मूवी रिव्यू तो हो गया एंड शाम हो रही है और बैल्कनी में आके अच्छा लगता है क्योंकि नज़ारे नज़ारे यहाँ भी बढ़िया हैं, सामने बिल्डिंग खड़ी हो रही है, ये नज़ारा थोड़ा सा ख़राब है, बाकी इधर सूरज ढल रहा है पश्चिम की तरफ, ये इधर वेस्ट है एंड हम यहाँ पर नज़ारों का मज़ा ले रहे हैं। चाय की चुस्की लेनी है रेनू, चाय बना दे यार। भाई अभी कैमरा पे देखा मैंने क्या लुक आ रहा है, मतलब अच्छा ऐसी लाइट आ रही है एंड बैल्कनी से शॉट अच्छा लग रहा है। घर में खाना बन गया है, क्या बना है? राजमा। वाह वाह, राजमा, खुशबू आ रही है बढ़िया सी, लग बहुत बढ़िया रही है, चावल बढ़िया, क्रेडिट जाता है रेणु जी को, पिंपल हो रहे हैं अभी, तेल लगा रखा है रेणु जी को, फिर अभी ज्यादा आना नहीं है, इसलिए तेल में चंपी कर रखी है, बाकी असली तो पिछले बार में देख लिया हम लोग। क्यों रेणु जी? अबे साले तभी चलो खाना वाना बनाओ। हाँ जी, तो अच्छी लाइट में आ गए हैं, तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा इस व्लॉग को, छोटा सा प्यारा सा फनी व्लॉग। तो बाकी टाइम हम लोग पता है क्या करना है गाइस, तो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, कॉमेंट नए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है गाइस, और अच्छा लगे तो डू शेयर, फैला दो वीडियो को और कॉमेंट करो अच्छे से। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।